आधा सैकड़ा कांग्रेसियों ने देवरिया में माँ विंध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह में बालिकाओं के साथ हुए शोषण के मामले में प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेसियों ने देवरिया कांड का हवाला देते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल या निशाने उठाए। कांग्रेसियों ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से अनुरोध किया कि प्रदेश सरकार की कड़ी चेतावनी जारी करते हुए उसे महिलाओं का सम्मान स्थापित करने और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निर्देशित किया जाए। देवरिया में माँ विंध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह में जिस तरीके की घटना सामने आई है वो बेहद अफसोसनाक है, बेहद दुखद है और लगातार इस भाजपा सरकार में बलात्कारियों दुष्कर्मियों का साहस बढ़ रहा है और ये तभी संभव है जब सत्ता में बैठे हुए लोगों तक उनकी पहुंच हो। और निश्चित रूप से जब से भाजपा सरकार आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में ऐसे जो ये नारे दे रहे हैं और काम इनके क्या हैं ये देवरिया का कांड बता रहा है। ऐसी स्थिति में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से ये आग्रह किया है, ये अनुरोध किया है कि ऐसी सरकार को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए उसे महिलाओं का सम्मान स्थापित करने के लिए कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास जागृत करने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए।